हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स हेलो फ्रेंड्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ये जो कोविड की सेकेंड वेव अप्रैल में आई थी इसके कारण एग्ज़ाम्स जो थे वो कैंसिल हो गए थे नाइन्थ इलेवंथ के जो कुछ एग्ज़ाम्स रह रहे थे कुछ हो चुके थे टेंथ ट्वेल्थ के भी मिड टर्म एग्ज़ाम प्री बोर्ड वगैरह जो चल रहे थे सब कैंसिल हो गए थे और आ, उसी समय डायरेक्ट्रेट का जो है ऑर्डर आया था कि जो समर वेकेशन है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी जो 9 जून तक हैं और अब बहुत जल्दी 9 जून के बाद स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो आज आ, पाँच जून दो को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डीओई का लेटेस्ट सर्कुलर आया है क्योंकि उस समय कुछ भी ऐसा माहौल नहीं था की रिजल्ट uh, के बारे में कुछ बात हो सके बट अब नाइन्थ और इलेवंथ के रिजल्ट के लिए गाइडलाइंस आई हैं तीन पेज का एक सर्कुलर आया डी का तो आज हम बात उसी पे करेंगे uh, ये है लेटेस्ट डी सर्कुलर रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट्स फॉर क्लास नाइन्थ एंड इलेवंथ फॉर द सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये जो है गाइडलाइंस आई हैं कि किस तरह से नाइन्थ और इलेवेंथ के इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वगैरह के जो मार्क्स हैं वो कैसे भरे जाएं सेशन 2020-21 के लिए ये लेटेस्ट यू सर्कुलर है मुझे लगा थोड़ा साथियों को हेल्प हो जाएगी एक छोटी सी कोशिश मैंने करी है तो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना आइए समय खराब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए आप ये डायरेक्ट्रेट का ऑर्डर आया है सॉरी सर्कुलर आया है और ये पाँच जून आज की ही डेट में है ये ऑर्डर नंबर है ये सर्कुलर है सब्जेक्ट क्या है गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफ क्लास नाइन्थ एंड इलेवेंथ फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 रिगार्डिंग तो ये गाइडलाइंस हैं जो ऑनलाइन अपलोड होने हैं मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के या प्रोजेक्ट के नाइन्थ और इलेवंथ के जो रह गए थे एकेडमिक सेशन 2020 थाउजेंड के रिगार्डिंग तो ये इसमें थोड़ा सा रीड करते हैं क्या लिखा है इसमें इन व्यू ऑफ दी सडन सर्च इन दी केसेस ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक इन डेली मिड टर्म एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड इन ऑल गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एडिड एंड एनडीएमसी स्कूल्स फ्रॉम बीस मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वर सस्पेंडेड एंड स्कूल फर क्लोज सब्सिक्वेंटली तो 20 मार्च 2021 को एट सडन जो है हमारे डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना पड़ा था कि तुरंत सस्पेंड हो गए थे सारे एग्जाम्स और स्कूल क्लोज हो गए थे आप जानते हैं उसका कारण कोविड नाइन्टीन की जो सेकेंड म्यूटेंट वाली वेव थी वो था तो अब जो है ऑल दी हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हेयर बाय डायरेक्टेड तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के हेड हैं इनके लिए है ये बोला जाता है उनको बत, न, डायरेक्ट किया जाता है टू अपलोड दी मार्क्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट ऑप्टेंड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ एंड की नाइन्थ और इलेवंथ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने जो भी इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं वो अपलोड किए जाए और मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लींशन ऑफ द मार्क्स रिलेटेड डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो वो कह रहा है इसको काम को पूरा करना है बीस एक सेशन के लिए जो रिलेटेड डाटा है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स टू बी अपलोडेड इन ऑनलाइन मॉड्यूल एज गिवन बिलो तो ऑनलाइन मॉड्यूल में आपको एक फीड करना है आगे पूरे सर्कुलर की जो डिटेल है आगे भी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये है देखिए सब्जेक्ट वाइज टेबल फॉर अपलोडिंग मार्क्स ऑफ क्लास नाइन्थ ये क्लास नाइन्थ के लिए है क्लास नाइन्थ की बात हो रही है क्या कह रहा है इसमें कैसे आपको एक टेबल बता के बताया गया किस तरह से मार्क आपको अपलोड करने हैं ये सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस पांचों मेन सब्जेक्ट हैं नाइन्थ क्लास के और ये इंटरनल असेसमेंट सब के ट्वेंटी हैं सब के इंटरनल असेसमेंट ट्वेंटी इंग्लिश के हिंदी के मैथ्स के साइंस के सब के इंटरनल असेसमेंट ट्वेंटी आपको भरने हैं और कुछ स्किल कोर्स थे जैसे रिटेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑटोमेटिक सारी डिटेल इसमें दे रखी है देख लीजिए आपके बच्चों के पास कौन सा स्किल कोर्स है तो ये ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं और आगे संस्कृत उर्दू पंजाबी बंगाली अदर्स इसका भी ट्वेंटी मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है म्यूज़िक अगर है तो उसका भी ट्वेंटी मार्क्स का है होम साइंस या एलिमेंट्री ऑफ बिजन स्टडी है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं पेंटिंग उसका भी ट्वेंटी मार्क्स का है एन सी का भी ट्वेंटी मार्क्स का है यहाँ ध्यान से देखिए आप और एलिमेंट्री ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इसका थर्टी मार्क्स का

देखिए क्लास इलेवंथ के लिए क्या कह रहा है सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं विथ थ्योरी एट्टी मार्क्स एंड प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ट्वेंटी मार्क्स तो जो भी आपका आ, है सब्जेक्ट ट्वेंटी मार्क्स का तो इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट का ट्वेंटी मानना है आपको जिसमें प्रोजेक्ट लगता है और थ्योरी एट्टी मार्क्स की माननी है ये कौन कौन सी है मैथ सोशलॉजी पोलिटिकल साइंस संस्कृत कोर इलेक्टिव कोई सी भी हो बिजनेस स्टडीज अकाउंट हिस्ट्री को हिंदी कोर इलेक्टिव कोई भी हो इंग्लिश कोर इलेक्टिव कोई भी हो उर्दू कोर इलेक्टिव कोई भी हो पंजाबी बंगाली लीगल स्टडीज तमिल तेलगू सिंधी मराठी गुजराती मलयालम अरेबिक्स तो ये सब के सब में 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है आगे क्या सब्जेक्ट भी थ्योरी वो सब्जेक्ट जो थ्योरी सेवेंटी मार्क्स की थ्योरी है जिनमें उनका प्रैक्टिकल थर्टी मार्क्स का है ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ये कौन कौन से हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होम साइंस एन फिजिकल एजुकेशन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स साइकोलॉजी बायोटेक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फूड न्यूट्रिशन मास मीडिया लैब एंड इंफॉर्मेशन फैशन स्टडी अप्लाइड अपलाइड केमिस्ट्री अप्लाई मैथ्स तो ये आप देख लीजिएगा आपके स्टूडेंट्स का कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई होता है एट्टी मार्क्स वाला जो थ्योरी का वो ये है और सेवेंटी मार्क्स थ्योरी का ये जो थर्टी वाले जिनमें थर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल था जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह केमिस्ट्री बायो ये ऑलरेडी अपलोडेड है ये आपको करने पड़ेंगे वो भी सब्जेक्ट जित्र को करने पड़ेंगे आगे पढ़ेंगे मेरे बारे में थर्ड कह रहा है सब्जेक्ट भी थ्योरी थर्टी मार्क्स की थोरी और प्रैक्टिकल सेवेंटी मार्क्स का कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं ये हिंद म्यूजिक वोकल डांस पेंटिंग आर्ट ग्राफिक्स स्कल्पचर, तो ये सारे के सारे जो हैं, इनमें थर्टी मार्क्स की थ्योरी है और सेवेंटी मार्क्स का प्रैक्टिकल और ये भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और डी में क्या बता रहा है स्किल सब्जेक्ट भी थ्योरी सिक्सटी मार्क्स कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें थ्योरी सिक्सटी मार्क्स की है और प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वर्क फोर्टी मार्क्स का ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है ये मैं डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं आप अपने आप देख लीजिएगा आपका स्टूडेंट स्टूडें कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई होता है ई सब्जेक्ट भी थ्योरी सेवेंटी मार्क्स कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें थ्योरी सेवेंटी मार्क्स है प्रोजेक्ट थर्टी मार्क्स है उसमें प्रोजेक्ट थर्टी मार्क्स का देना है, ये एंड टनोरशिप नॉलेज ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया ये नए एड हुए हैं कुछ सब्जेक्ट तो ये उनमें है आप देख लीजिएगा आपके स्टूडेंट का कौन सा अप्लाई हो रहा है सब्जेक्ट विथ थ्योरी फिफ्टी मार्क्स एंड प्रोजेक्ट फिफ्टी मार्क्स ये भी ऑलरेडी अपलोड है, है उनमें होता है डिजाइनिंग, योगा अर्ली स्टूडेंट के, तो के पास कौन तो सा उस हिसाब से आपको अपलोड करना है तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है ध्यान से देखिए सब्जेक्ट टीचर विल गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप फॉर एक्सप्लोरिंग द लिंक एट यहाँ यह बात इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट टीचर को ही जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसको ही भरना है अपने टैब से अपने लैपटॉप कंप्यूटर से मोबाइल से जिससे भी भरना है लिंक खोल के डी ओ साइट पर उसको ही खुद भरना है अपने एम्प्लॉ आई डी पासवर्ड से ओके और कोई नहीं भरेगा और वो भर के अपने एग्जाम इंचार्ज को देगा पढ़ते हैं इसके बारे में बता रहा है तो ये लिंक बताया गया है जो सब्जेक्ट टीचर है वो इसको जरूर देख देखने लिंक में पहुँचे एच डॉट एन आई सी डॉट इन में स्टूडेंट मॉड्यूल में टीचर लॉग इन आई पासवर्ड करके लॉग इन टाइप करके परफॉर्मेंस प्रोफाइल करके एंट्री मार्क्स करके मार्क्स एंट्री अपडेट डिलीट रिपोर्ट तो ये सारा काम सब्जेक्ट टीचर ही करेगा ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं इस पर जो ध्यान रखने हैं आपको नंबर वन द मार्क्स ऑपटेन बाय द स्टूडेंट इन इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट फॉर क्लासेस नाइन्थ एंड इलेवेंथ विल बी अपलोडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर जो मैं आपको अभी बता रहा था ओनली बाय सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट टीचर ही इसको अपलोड करेगा अपनी आई पासवर्ड से नंबर सेकेंड नाइन्थ और इलेवंथ दोनों के ऑनलाइन एंट्री ऑफ द ग्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द को स्कोलास्टिक एरियाज इंटरनल ग्रेड्स एंड अपलोडिंग दंबर ऑफ अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू भी अपलोडेड ऑनलाइन असैसमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस बार अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है जैसे हर बार अटेंडेंस भी भरी जाती थी तो ये नहीं भरी जाएगी नंबर थर्ड द तो सब्जेक्ट टीचर विल टेक द प्रिंट आउट टू का जो सब्जेक्ट टीचर आपको मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टीचर ही भरेंगे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो नाइन्थ नाइन्थ जिसम जो भी पढ़ाता है और आगे ग्यारह उसको प्रिंट आउट करके दो कॉपीज निकालनी है आपको भरने के बाद ऑफ अपलोडिड मार्क्स की ऑफ द स्टूडेंट हिज और हर क्लास एंड सेक्शन आफ्टर फाइनल सबमिशन एंड चेक विद एक्चुअल मार्क्स एक्चुअल मार्क्स से चेक जरूर करने हैं एक बार सबमिशन करने से पहले दिस में भी कंसिडर्ड एज अवार्डलिस्ट इसे अवार्ड लिस्ट ही माना जाएगा असाइंड कॉपी ऑफ विच मस्ट बी सब्मू द एग्जाम इन चार्ज ऑफ द स्कूल फॉर रिकॉर्ड तो दो कॉपी भरनी है पहले आपको अपलोड करना है ऑनलाइन जो भी प्रोसेस बताए उसके थ्रू उस पर दो कॉपीज निकालनी है और अच्छे से ओरिजिनल चेक करनी है और उसके बाद एक कॉपी हमने पास रखने ली है, है और एक कॉपी जो है वो आप एग्जामि चाहिए बाद जरूर जुर्मा कराएंगे ठीक है नंबर फोर्थ क्या है लिंक फॉर अपडेट डिलीशन ऑफ द मार्क्स विल बी अवेलेबल टिल द लास्ट डेट ऑफ द एंट्री ऑफ मार्क्स द लॉग इन ऑफ द टीचर तो एक लास्ट डेट बताई गई है एंड में है वो कि कौन सी डेट तक है पंद्रह जून बताई गई है इसमें सात जून से पंद्रह जून तक ये खुला रहेगा मॉड्यूल तो तब तक आपको अपनी आईडी वगैरह से आप इसमें अपडेट कुछ भी करना चाहें डिलीशन वगैरह कर सकते हैं दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं नंबर फिफ्थ ओनली सब्जेक्ट टीचर इज ऑथोराइज टू अपडेट और डिलीट द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट सिर्फ सब्जेक्ट टीचर ही कर सकता है वो ही ऑथोराइज है अपडेट करना है अपडेट डिलीट करना है डिलीट जैसा भी करना चाहते हैं बच्चों के मार्क्स के लिए सब्जेक्ट टीचर आर डायरेक्टेड नोट टू शेयर हिज और हर लॉग इन आई एंड पासवर्ड विद एनी एल्स एंड इट्स कॉन्फिडेंशियली एंड सेंसिटिव तो एक कह रहा है कॉन्फिडेंशियली काम करना है अपनी आईडी पासवर्ड किसी को नहीं बताने अपने ही लोग इनसे ही काम करना है नंबर सेवन सब्जेक्ट क्लास टीचर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट या क्लास टीचर विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर कोई भी गलत फीड होते हैं नंबर तो सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर जिसने भी फीड करा हुआ कंप्यूटर में ऑनलाइन वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अपलोडेड ऑनलाइन इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सेक्शन में नंबर एट सब्जेक्ट और क्लास टीचर रेगुलर हो या चाहे गेस्ट टीचर हो सब इंक्लूड है इनमें हैवी एम्प्लॉ आई डी एंड पासवर्ड विद अपलोड द मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्लास इज एंड सेक्शन थ्रू देयर लोग इन आई डी एज यूजल तो आप जानते हैं कि इसमें टीचर्स की बात कर रहा था, है तो दोनों हैं इसमें रेगुलर भी हैं गेस्ट टीचर्स भी हैं तो सभी अपने लोगिन आई डी पासवर्ड से इसको भरेंगे जो भी क्लास पढ़ाते हैं वो और वही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे नंबर नाइन्थ सब्जेक्ट ऑब्लिक क्लास टीचर नोट कवर्ड एट पॉइंट नंबर एट विल अपलोड द मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्लास एंड सेक्श थ्रू लोगिन आई डी ठीक है वो कह रहा है जो एट नंबर में कवर नहीं हो पा रहे हैं विल अपलोड द मार्क्स कर सकते हैं कि कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई रेगुलर कैस नहीं आ पा रहा मजबूरी में तो उसकी जगह कोई और कर रहा है तो वो कह रहा है जो उसमें इंक्लूड नहीं है तो जिसने भरा है वो माना जाएगा उसको भी चेक कर देना है मतलब टीचर्स आगे मैं जो बता रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पे ध्यान दीजिए सभी प्लीज रेस्पेक्टेड टीचर्स लिंक फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सेवंथ ऑफ जून 2021 टू थाउजेंड ऑफ़ जून 2021 एट 5 पीएम सात जून 2021 से पंद्रह जून दो हज़ार इक्कीस तक शाम को पाँच बजे तक जो भी अपलोडिंग ऑनलाइन मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट का ये जो लिंक है खुला रहेगा अवेलेबल रहेगा इसके बाद ये बंद हो जाएगा तो प्लीज भी ऑन टाइम सारे ऑन टाइम होके आप जो टाइम स्पेसिफिक बताया है वन वीक या एट डेज का इसके अंदर आप काम कर लीजिए जरूर और मैं आशा करता हूँ सारे कर भी लेंगे ठीक है आगे ये सारी मेन मेन बात थी इसकी इम्पॉटेंस पास थी अब आगे जो बताया हुआ है ऑल दी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल आर हेर बाय डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट द एंट्री ऑफ द दी ऑफ क्लास एंड इज डन विद द स्टिपुलेटेड टाइम एंड द वर्क मस्ट बी कम्प्लीटेड वेरी केयरफुल एंड सीरियसली तो ये जो एच हैं जितने भी स्कूल्स के हैं आपके हमारे सबके लिए बोला गया है कि इसको प्लीज जो स्टेपलिटी टाइम बताया है उसमें नाइन्थ एलेन्थ का, का काम जरूर पूरा कर लें और ढंग से सीरियसली कर लें ठीक है और वो चेक करेंगे इसको ठीक है ताकि कोई एरर ना हो ये एच के लिए है मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन मार्क्स एसेंशियल एट जोनल लेवल पे मॉनिटरिंग होगी डीडी जोन डिस्ट्रिक्ट आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर द वर्क इज कम्प्लीटेड विदाउट एनी पेंडेंसी तो ये बोला गया है जो आगे फर्दर अथॉरिटीज़ हैं कि वो ध्यान से देख लें एक बार वो भी देख लें काम हो जाएगा ये डॉक्टर रीटा शर्मा जी हमारी एडिशनल डी एग्ज़ाम्स हैं उनका है उनके साइन किए हुए ये पाँच तारीख को ही आया था सर्कुलर और ये जो फॉर्मेलिटी होती है उसके लिए है ऑल दी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू डेल ई तो ये कॉपी भेजी गई है जैसा आप जानते हैं एक वो होता है और ये हमारे श्री संजय सुभाष कुमार डीडी एग्जाम्स हैं यही हमारा जो सर्कुलर वगैरह हैं सारे एग्जाम्स के देते हैं इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये अच्छी लगे तो उसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा रेड बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके आप सभी साथियों के इफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ऐसे ही डी ओ ई के जो भी लेटेस्ट सर्कुलर मैं डालता रहता हूँ तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इनकी पूरी नॉलेज मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में लगा रेड बटन जरूर प्रेस करें और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि नाइन्थ सॉरी इलेवंथ और ट्वेल्थ में मैंने अकाउंट बिजनेस स्टडीज़ में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद